इंसान में लगन और जज्बा है तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया था फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा के लेखक के आसिफ ने, जो एक मामूली दर्जी थे मगर उनकी लगन और जज्बे को आज भी फिल्म इंडस्ट्री सलाम करती है। जी हाँ, आज हम आपको देश के एक ऐसे हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने कपड़ों की सिलाई करते करते 3 फिल्मों की रचना करके इतिहास रच डाला। आज वो हमारे बीच भले ही नहीं है मगर उनकी काबिलियत से आज भी प्रेरणा ली जा सकती है। के आसिफ, पूरा नाम करीम आसिफ था। इनका जन्म 14 जून 1922 को उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। पिता का नाम डॉक्टर फजल करीम और मां का नाम बीबी गुलाम फातिमा था। आसिफ के बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, खुद उन्होंने भी कभी शिक्षित होने का दावा नहीं किया। बावजूद इसके वे महान फिल्मकार बने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के मंच पर अपनी एक अलग पहचान और जगह कायम की। एक मामूली कपड़े सिलने वाले दर्जी के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। बाद में लगन और मेहनत से निर्माता निर्देशक बन गए। अपने 3 साल के लंबे फिल्म करियर में आसिफ ने मात्र 3 फिल्में बनाई, फूल 1945, हलचल 1951 और मुगले आजम 1960। ये तीनों ही बड़ी फिल्में थीं और तीनों में सितारे भी बड़े थे। फूल जहां अपने युग की सबसे बड़ी फिल्म थी, वहीं हलचल ने भी अपने समय में काफी हलचल मचाई और मुगले आजम तो हिंदी फिल्म जगत का इतिहास का शिलालेख है। कहा जाता है कि आसिफ मोहब्बत को कायनात की सबसे बड़ी दौलत मानते थे। इसी विचार को पर्दे पर लाने के लिए उन्होंने मुगले आजम का निर्माण किया। आसिफ ने नृत्यांगना सितारा देवी से शादी की थी। सितारा देवी भारत नाट्यम के लिए देश विदेश में मशहूर थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सामग्री की उपाधि से नवाजा था। बताया जाता है आसिफ एक दिन अभिनेत्री निगार सुल्ताना को सितारा देवी की सौत बनाकर घर ले आए। यह उनके दिल पर न गवारा गुजरा पर वह खून का घूंट पीकर रह गई। पर उनकी मानवता उन्हें निगार के बच्चों पर प्यार लुटाने से नहीं रोक पाई। पर एक बार फिर आसिफ ने दगाबाजी की। इस बार उनकी नजर अपने दोस्त की बहन पर ही पड़ गई। उन्होंने दिलीप कुमार की बहन को बेगम बना लिया। तब सितारा देवी के सब्र का बांध टूट गया। सितारा देवी ने आसिफ को बद्दुआ देते हुए कहा, तुम बेमौत मरोगे और तुम्हारा मरा हुआ मुंह मैं नहीं देखूंगी। हालांकि ये अलग बात है कि सितारा देवी उतनी बेरहम दिल की नहीं रह सकी। 9 मार्च 1971 को आसिफ की मौत की खबर जब उन्हें अपनी बहन की बेटी से मिली तो वह खुद को रोक नहीं पाई। वह तुरंत आसिफ के घर गई और अंतिम दर्शन किए। बहुत कम फिल्में और बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल करने वाले फिल्मकारों में के आसिफ का नाम शायद अकेला है। आसिफ ने 48 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था।